नमस्कार, आज हम बताएंगे हरे चने का स्वादिष्ट विरहा कैसे बनाते हैं। ये हैं हरे चने के पौधे, इनमें फल लगे हुए हैं, इन्हें घेंटी कहते हैं। ये थोड़े दिन चने पकने के समय ही मिलते हैं और इन घेंटियों को छीलकर इनमें से चने के दाने निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये दाने निकाल लिए हैं। वैसे इस समय बाजार में सब्जियों की दुकान में भी ये मिल जाते हैं। एक कटोरी चने का विरहा बनाने के लिए लेंगे 4 टमाटर, 3-4 हरी मिर्च, इन्हें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी धनिया, इनकी मात्रा ज़्यादा लेनी है, अंदाज से करीब 100 ग्राम। इसमें सूखा धनिया नहीं डालते, विरहा में हरी धनिया और हरी मिर्च की खुशबू ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले इनमें से 1/4 कटोरी हरा चना दरदरा पीस लेना है और धनिया और हरी मिर्च सिलबट्टे में पीस लेंगे। और यदि सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी में पीस लें। सिलबट्टे में पीसने पर ज़्यादा खुशबू आती है। पीसने के बाद इसे निकाल कर अलग रख लेना है। और अब देखें विरहा में और क्या क्या डालना है। ये है हरी धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 प्याज पिसी हुई या कद्दूकस की हुई, 2-3 कली लहसुन इस तरह पिसी हुई। इसे अगर डालना नहीं चाहते तो ना डालें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा पिसा हुआ और ये 4 टमाटर पिसे हुए या कद्दूकस किए हुए और ये 1/4 कटोरी चने दरदरे पिसे हुए। और इसके बाद ये 3/4 कटोरी चने जो बाकी बचे हुए थे वो है ये। अब कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच अपना मन चाहा तेल डालेंगे। और तेल जब थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालें और इसे थोड़ी चला दें। ये तड़कने लगे हैं तो अब इसमें डालेंगे हम 1 पिसा हुआ प्याज। इसे चलाना है, आंच बीच की रखें, न ज़्यादा न कम। और जब प्याज का थोड़ा कच्चापन निकल जाए तो इसमें डालेंगे 1 पिसा हुआ लहसुन और फिर इसके बाद डालेंगे अदरक और इसे अच्छी तरह चलाकर मिला दें और इसे तब तक चलाते रहें जब तक ये हल्का सुनहरा होने लगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी और इसे चलाना है और थोड़ा भून लेना है इसको। और इसके बाद डालेंगे इसमें पिसे हुए टमाटर और इन्हें भी अच्छी तरह चलाकर मिला दें और इन्हें करीब 5 मिनट पकाना है। और जब थोड़ी पक जाए तब इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी हरे चने और इन्हें चलाएं, इन्हें भी पकने देंगे। इन्हें ढक देना है और आंच धीमी रखें, करीब 7-8 मिनट पकाना है। इसे बीच बीच में ढक्कन खोलकर चलाते रहें और देखें करीब जब आधा पक गए हों तब हाथ में 1 चना लेकर दाना दबा कर देख लें, पता चल जाएगा इससे। और अब डालेंगे 1/4 कटोरी दरदरे पिसे चने, इन्हें भी चलाते हुए अच्छी तरह मिला दें। और अब इसमें डालेंगे इसके बाद 2 कप पानी और पानी डालने के बाद चला कर अच्छी तरह मिला दें और ढक देंगे इसके बाद।
और रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। करीब 10 मिनट तक पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि ये पक गए हैं। और इसके बाद इन्हें 1 मिनट और चलाएंगे और इसमें इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला दें और इसे 1 मिनट और चलाएंगे और स्टोव बंद कर दें। इसमें बढ़िया खुशबू आने लगी है और इसे रोटी पूड़ी ब्रेड के साथ शौक से खा सकते हैं। और अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पानी और मिलाकर पकाएं। धन्यवाद, नमस्कार।